हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, सीएम साहब ने एक बार फिर दोबारा से घोषणा की है, यदि सीएम साहब की कही हुई बात में दम है तो बहुत जल्द 150 वैकेंसी और निकलेगी पुलिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सीएम साहब ने क्या अनाउंस किया है आपके लिए, और दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए यदि आप पुलिस की वैकेंसी या नौकरी पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जो आपको आपकी जॉब की तैयारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ, हर रोज़ करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सीएम साहब ने बताया है जल्द होगा आतंक रोधी बल कवच का गठन। ठीक है, मनो मुख्यमंत्री जी ने की है घोषणा, गुरुग्राम में होगा मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि बल में 150 पुलिसकर्मी होंगे, इन्हें 14 सप्ताह की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इस बल के लिए 50-50, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50-50 के बैच में हरियाणा पुलिस की विशेष भर्ती की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो 150 वैकेंसी पुलिसकर्मी लेने हैं इस कवच के लिए, उसके लिए भर्ती निकाली जाएगी 50-50 के बैच में, हरियाणा पुलिस की विशेष भर्ती की जाएगी इसके लिए। ठीक है, कवच के सदस्यों को हरियाणा पुलिस में भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। यहाँ पे बताया गया है मुख्यमंत्री साहब ने कि ट्रेनिंग की सुविधा मानेसर में की जाएगी, NSG ट्रेनिंग सेंटर में उपलब्ध होगी, और गुड़गांव में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। कवच गठन का आयोजन, जो कवच गठन निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में, आतंकरोधी घटनाओं को रोकने के लिए, हर स्थिति से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, बस यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। यदि हरियाणा के सीएम साहब की कही हुई बात में थोड़ी सी भी दम है, थोड़ा सा भी कुछ से फोर्स है, तो जल्द 150 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो सकती है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से हरियाणा पुलिस की बड़ी भर्ती रोकी गई है, लेकिन कब ये हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट होगी कुछ नहीं कह सकते। सीएम साहब बहुत बार बोल चुके हैं कि 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में हरियाणा पुलिस की भर्ती हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी जो रिजल्ट है इस चीज़ का हमारे सामने नहीं है। लेकिन देखते हैं दोस्तों, बस आपके साथ शेयर करना था कि सीएम साहब ने दोबारा से 150 वैकेंसी निकालने की बात कही है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।